नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चल रहा है, इस प्रोजेक्ट में आप प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आ चुकी है। भारतीय रेलवे ने 31 जुलाई 2024 तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी पेश की है। हर महीने आप लोगों को मैं प्रोग्रेस बताता ही रहता हूँ, तो इस बार आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है इस प्रोजेक्ट से लेकर के। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आप लोग जानने आए हैं। पियर फाउंडेशन का वर्क 341 किलोमीटर का कंप्लीट हो गया है। पियर कंस्ट्रक्शन का वर्क 324 किलोमीटर का कंप्लीट हो गया है। इतने पियर खड़े किए जा चुके हैं और इन पर गर्डर रखने का काम जो है आखिरकार 100 किलोमीटर का जब अचीव हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करी थी। और आज 200 किलोमीटर का गर्डर लॉन्चिंग का काम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो गया है। मतलब सीधा रास्ता 200 किलोमीटर का तैयार हो गया है, जिस पर अब ट्रैक बिछाने का काम, साइड में बैरियर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। तो 508 किलोमीटर के इस पूरे सेक्शन में आज 200 किलोमीटर का काम गर्डर बिछाने का कंप्लीट हुआ है, तो 308 किलोमीटर का काम अभी बाकी है। 2026 में पहला ट्रायल रन लेने की बात हो रही है एक छोटे से गुजरात के सेक्शन में। उसके बाद 2027-28 में इसके पूरे सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और मुंबई से अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन अपनी सर्विस देने लगेगी। चलिए जमीनी रिपोर्ट देखते हैं क्या है, अभी हाल ही में कितना काम जमीन पर दिख रहा है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा महाराष्ट्र का सेक्शन है वहां से, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, महाराष्ट्र का स्टार्टिंग स्टेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसका अंडरग्राउंड का जो काम है वो इस तरीके से अभी चल रहा है। हालांकि मानसून का वक्त है, थोड़ी तकलीफें अभी रहेंगी 2-3 महीने, उसके बाद यहाँ पर भी तेजी से और काम हो पाएगा। अभी कुछ इस तरीके का दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था यहाँ पर इतनी भी खुदाई नहीं हुई थी, लेकिन इस बार प्रोग्रेस काफी अच्छी दिख रही है। अब महाराष्ट्र में सबसे इम्पोर्टेंट काम चल रहा है शाफ्ट्स को बनाने का, जो कि हेल्प करेंगे देश की पहली अंडर सी टनल, जो कि 21 किलोमीटर के लगभग होने वाली, जिसका कुछ हिस्सा अंडर सी रहने वाला है, उसको बनाने में, जिसमें शाफ्ट नंबर 1 बीकेसी में बन रहा है, शाफ्ट नंबर 2 विखरोली में बन रहा है। इस तरीके से इसकी प्रोग्रेस चल रही है, काफी ज्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस इस बार देखने को मिल रही है। बाद में शाफ्ट नंबर 3 जो बन रहा है सावली मुंबई में। दोस्तों, इस टनल के बारे में, उन शाफ्ट के बारे में और टेक्निकल जानकारी चाहिए तो विस्तृत तौर पर मैंने इस वीडियो में बताया है, इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम ऑडिट की बात करें, जो कि घनसोली में बन रहा था नवी मुंबई में, वो इस तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है और काफी काम इसका इस बार होता हुआ दिख रहा है मुझे। मेन टनल जो कि शिलफाटा में होने वाली थी, उसका भी काम काफी हो चुका है। अब देखिए, महाराष्ट्र में भी आपको थाने डिस्ट्रिक्ट में फाउंडेशन देखने को मिलेगी, पियर वर्क देखने को मिलेगा प्रोग्रेस में, तो बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ पे पियर खड़े होते हुए दिखेंगे और यहाँ से भी आप लोगों को गर्डर लॉन्चिंग स्टार्ट होती दिखेगी आने वाले सालों में। अब हम गुजरात में आए तो वलसाड में टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका है, जो कि एक बहुत ही टफ टनल होने वाली थी। दमन गंगा रिवर के ऊपर भी पियर वर्क काफी अच्छे से कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग बाकी रह गई है। वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। बाकी वलसाड डिस्ट्रिक्ट में काफी सारा काम गर्डर लॉन्चिंग का हुआ है, आप गैंट्री को देख सकते हैं किस तरीके से गर्डर लॉन्चिंग हो रही है, और इसमें आप लोग देखेंगे पार रिवर के ऊपर भी गर्डर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, औरंगा रिवर के ऊपर भी गर्डर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ वलसाड डिस्ट्रिक्ट में एक और यहाँ पर स्टील का जो ब्रिज है वो बनाया जाएगा इस तरीके से हाईवे के ऊपर, यहाँ पर अभी भी उसके जो पिलर है उनके ऊपर काम चल रहा है सुपर स्ट्रक्चर का। इसके जस्ट आगे खरेरा रिवर के ऊपर अभी गर्डर लॉन्चिंग होना बाकी है, फिर बाद में बीच में दोबारा से जो वर्क कंटिन्यू हो गया है गर्डर लॉन्चिंग का, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में हम आ चुके हैं। और अभी आ गया बिल्ली मोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन, इसका भी काम काफी हद तक हो चुका है स्ट्रक्चर तैयार करने का। नवसारी में वेंगानिया रिवर के ऊपर काम कंप्लीट हो गया है गर्डर लॉन्चिंग का, इसके बाद अंबिका रिवर के ऊपर भी गर्डर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पूर्णा रिवर के ऊपर पहले ही गर्डर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो गया था, अब यहाँ पर एडवांस स्टेज में काम चल रहा है। यहाँ पर आप नॉइस बैरियर लगते हुए देख रहे होंगे और ये जो आप बीच में निशान बनते हुए देख रहे हैं ट्रैक के, यहाँ पर बिछ रहा है जे स्लैब के लिए, जो स्लैब डाला जाता है जे स्लैब ट्रैक इसे कहते हैं। इसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ आपको इस ट्रैक की टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ट्रैक डालने का काम जो मैंने आपको बताया था वो भी इनिशियल स्टेजेस में अब स्टार्ट हो ही चुका है। सूरत का स्टील ब्रिज जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ पे सूरत में भी आप ट्रैक बेड बिछा देख सकते हैं और यहाँ पे नॉइस बैरियर का काम भी हो चुका है। अब सूरत स्टेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन। सूरत में एक बड़ा काम बाकी है दोस्तों, तापी रिवर के ऊपर अभी भी जो फाउंडेशन है पियर की, उसके बाद अब स्ट्रक्चर जो है पियर का खड़ा किया जा रहा है, अभी यहाँ पर काफी काम बाकी है, फिर उसके बाद यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग होनी है। भारूच डिस्ट्रिक्ट में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमारा गर्डर लॉन्चिंग का काम। भारूच में भी नर्मदा रिवर के ऊपर अभी पियर फाउंडेशन का काम, उसके बाद पियर खड़े करने का काम चल रहा है, इसके बाद यहाँ पर कुछ काम हो पाएगा गर्डर लॉन्चिंग का। तो जो बड़ी बड़ी रिवर है गुजरात में, अभी भी वहाँ पर काम काफी बाकी है।
भारूसी स्टेशन में अभी काफी काम बाकी लग रहा है क्योंकि इसमें ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि हमने पिछले स्टेशन पर देखा। यह आगे वडोदरा डिस्ट्रिक्ट जहां पर आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर गर्डर लॉन्चिंग का काम अभी भी चल रहा है। तो गुजरात में एक चीज समझ में आती है कि अभी बड़े बड़े शहरों के बीच में जो हमारा गर्डर लॉन्चिंग का काम है वो कई जगह पर डिस्कंटिन्यू है, मतलब पूरी तरीके से जो है एग्जैक्ट 200 किलोमीटर का जो खड़ा हुआ है गर्डर लॉन्चिंग का काम वो आपस में जुड़ा नहीं है कई जगहों पर, तो वो जोड़ने में भी टाइम लगेगा मुझे लगता है। कई जगहों पर आपको रिवर पे भी काम होता दिख रहा है क्योंकि वो भी अगर कंप्लीट होंगे उसके बाद ही एक पूरा जो रास्ता है वो तैयार हो पाएगा। तो जिसका आपको इंतजार था, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ट्रैक डालने का काम कहाँ पे शुरू हो चुका है एडवांस स्टेजेस में जो है वो है वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर जेस्लैप ट्रैक डालना शुरू हो चुका है और यह भारत का पहला बुलेट ट्रेन ट्रैक आपको देखने को मिल रहा है। अब स्टील ब्रिज जो है वो लॉन्चिंग का काम वडोदरा में भी एक जगह पे चल रहा है और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में आप लोग दोबारा देखेंगे यहाँ पर अभी भी कुछ जगहों पर कंटिन्यू नहीं हो पाया है हमारा जो गटर लॉन्चिंग का काम है। माही रिवर की बात करें यहाँ पे भी पियर फाउंडेशन और पियर खड़े करने का वर्क अभी भी चल रहा है। आनंद डिस्ट्रिक्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे दोबारा से डिसकंटिन्यू यहाँ पे काम हुआ फिर दोबारा से कंटिन्यू हो रहा है, तो बीच बीच में कई जगहों पर गर्डर लॉन्चिंग अभी नहीं हुई है और कई जगहों पर बहुत अच्छे से हो गई है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टील ब्रिज लॉन्च हो चुकी है इंडियन रेलवे के ट्रैक के ऊपर और यहाँ पर आनंद स्टेशन भी देख लीजिए कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है और यहाँ पर तो काफी ज्यादा एडवांस स्टेज में काम पहुंच चुका है जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है। फाइनली अहमदाबाद में हमारी एंट्री हो चुकी है, यहाँ पर मोहर रिवर के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग का काम कम्प्लीट है। ये एक लास्ट डेस्टिनेशन होगा इस प्रोजेक्ट का गुजरात साइड से और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गर्डर लॉन्चिंग पूरी तरीके से कंप्लीट है, यहाँ पर भी काम गर्डर लॉन्चिंग का बाकी है। कई जगहों पर एडवांस स्टेज में पहुँच गया है यहाँ पर जहाँ पर ट्रैक बेड भी डालना शुरू हो चुके हैं, नॉइज बैरियर भी लग गए हैं और कई जगहों पर अभी भी गर्डर लॉन्चिंग का काम अहमदाबाद में भी चल रहा है जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे अभी यहाँ पर गैंट्री जो है वो गर्डर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट कर रही है। तो अब यहाँ पर अहमदाबाद में मेन सिटी में देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्डर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट है और यहाँ पर आप देख पाएंगे अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है वो अब आएगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है अभी अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन स्टेशन। और लास्ट में अहमदाबाद में ही साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है उसका काम काफ़ी इनिशियल स्टेज में अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने है और इसके बाद सबसे आखिरी में जो एक बड़ी बिल्डिंग तैयार है इस प्रोजेक्ट की वो है साबरमती मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट के लिए हब है वो इसको जोड़ेगा आगे जा करके, वो सबसे लास्ट में तैयार बिल्डिंग हो चुकी है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय।